अंकित गुप्ता के एविक्शन के बाद जहां प्रियंका चौधरी बिग बॉस के घर में अकेली पड़ गई हैं, वही उनको अर्चना गौतम और सौंदर्या शर्मा की तरफ से टारगेट होता हुआ भी देखा जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेलेब 44 और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टैगलाइन नो अंकित नो बिग बॉस से घायल शेरनी प्रियंका तक कैसे व्यूवर्स प्रियंकित को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा क्या हुआ कि दर्शक अर्चना गौतम के एविक्शन की मांग कर रहे हैं। लेकिन 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 वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नीचे उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली बिग बॉस की अपडेट्स को मिस ना करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अंकित गुप्ता के एविक्शन के बाद और वीकेंड के वार में सलमान की फटकार खाने के बाद प्रियंका थोड़ी सी शांत रहने लग गई है घर में, पर वहीं दूसरी ओर हमारी सिलबट्टा क्वीन अर्चना को भला कौन चुप करा सकता है। पर इस बार जब जब अर्चना ने प्रियंका को पोक करने की कोशिश की तो प्रियंका ने उन्हें बड़ी ही चांस से इग्नोर किया, चाहे वो विकास और अर्चना की लड़ाई में गर्म पानी से बाल बाल बचना हो। पर वही कल के एपिसोड में जब अर्चना ने ऐसा कहा कि पता चलेगा इनको सब्जी कम किसे कहते हैं जो इन्होंने मुझे कल आधी कटोरी दी ना सब्जी। इस बात पर प्रियंका ने जो स्टैंड लिया इस पर दर्शक बेहद खुश हुए और प्रियंका के चाहने वालों ने तो घायल शेरनी प्रियंका तक ट्रेंडिंग करा दिया और अभी भी ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर रहा है, जहां पर प्रियंका की बड़ाई और अर्चना गौतम को इविक्ट करने की मांग की जा रही है। अब तो आने वाले वीकेंड के बार में ही पता चलेगा कि अर्चना घर से इविक्ट होती है या नहीं। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट बस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सेलेब 44।